ठीक है, चलिए दिख रहा है क्या है नया टॉपिक? कोन है। कैसा होता है कोन? ऐसा। कैसा होता है कोन? ऐसा दिख रहा है। कितने फेस है इसके पास? कितने फेस हैं? कितने फेस हैं इसके पास? दो फेस हैं। कौन कौन से फेस हैं? एक कर्व और एक नीचे में सर्कल। इमेजिन कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको जो मेला में मिलता है खाने के लिए? हैं, भेलपूरी। देखिए चना जोड़ है, देखिए लगभग ऐसा है, दिख रहा है, देख रहे हो? ये है कोन, लेकिन ये नीचे में आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन इस वाले कोन में ये नहीं रहेगा, ये पूरा प्लेन रहेगा, ठीक है? तो ये तो कोन ऐसा है, लेकिन आज देखो हम लोग सिलेंडर से कोन बनाएंगे। सिलेंडर से कोन, इसका मतलब है देखो ये क्या है, अपना पुराना वाला सिलेंडर। अब आप कहिए कि आपको उसी टॉपिक में फिर घुस गए आप, तो नया क्या पढ़ा रहे हैं? तो हर चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक होता है, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। देखो है सिलेंडर, अच्छा नीचे से छूट गया। चलो अब इस सिलेंडर से बनाएंगे कोन, बन जाएगा, एकदम बनेगा। इधर देखो, अगर इस सेंटर से इसको मिला दें और इस सेंटर से इसको मिला दें, तो बताइए बीच वाला पोर्शन खड़ा हो गया कौन? कुछ समझ में आ रहा है? अगर इसको, इस सिलेंडर को तीन भागों में बांट दिए, ये वन पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, तो बताइए ये वाला पार्ट आपका एक कंप्लीट सिलेंडर के रूप में बना? हाँ, सॉरी, कोन के रूप में बना? हाँ बिल्कुल, कोन के रूप में बना। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। देखो यहाँ से इसको इसको डुंग 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 और तरीके, ये तो कंप्लीट कोन आ गया जी। आया कंप्लीट कोन? बिल्कुल आ गया कोन है। तो इसी बात पे बता दीजिए तेजस बाबू, वॉल्यूम ऑफ द कोन है। किसी भी चीज़ का अगर वॉल्यूम निकालना है तो एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट है। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है आपको, तब तो फिर कोई उपाय नहीं है, भेज देंगे वीडियो। एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, तो एरिया है सिलेंडर सर्कल पाई आर स्क्वायर इनटू एच होगा। चलो फिर से इसको सिलेंडर बनाते हैं। बन गया है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। और एक बात बताओ मेरे को, अगर इसको हम एक दो तीन भागों में बांट दें, तो बताओ जरा सा ये कोन तुमको दिख रहा है बाबू? ये दो पार्ट कवर किया है, देखो जरा सा। तो अगर इसको हम बीच से कर देते हैं बराबर भागों में, तो एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, तो ये लगभग दो पार्ट तुमको लग रहा है कवर किया है ये दो पार्ट, और ये कंप्लीट इसको भागे बांटे हम तीन भागों में, एक पार्ट ये वाला, एक पार्ट ये वाला, एक पार्ट ये वाला, तीन पार्ट में है। तो वॉल्यूम आपका क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ दी कोन आपका क्या हो जाएगा? वन थर्ड पाई आर स्क्वायर एच। कभी सोचे थे इस तरह से कि पाई आर स्क्वायर एच अगर सिलेंडर का है तो कोन का काहे हो रहा है? वन बाई थर्ड है, वन बाई थर्ड यहाँ से हो रहा है। हम तो पहले ही बोले थे अगर सिलेंडर जिसको समझ में आ गया अच्छे तरह से, उसको कोन में रत्ती भर भी डाउट नहीं होगा। ये है वॉल्यूम ऑफ दी कोन की कहानी। चलिए वॉल्यूम ऑफ दी कोन निकल गया, याद करना पड़ेगा कभी भी। किसी भी दुनिया में किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालना है तो एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट,
लेकिन क्या है कोन आपका 1/3 पोर्शन है आपके सिलेंडर का, तो आप 1/3 लगा दो और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर रख दो, ख़त्म कहानी, वॉल्यूम ऑफ द कोन निकल गया। क्लियर है? आओ जरा सा अब उस पर क्या नाम है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, कौन सा पोर्शन, कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, कर्व सरफेस, कर्व उसको बोलते हैं जो घुमा हुआ सरफेस है, जो कर्व है, कौन सा कर्व है, देखो ये वाला कर्व है पोर्शन, देखो ये वाला कर्व है पोर्शन, ये वाला कर्व है पोर्शन, किसका एरिया निकालोगे, इसका एरिया निकालेंगे, किसका एरिया निकालोगे, इसका एरिया निकालेंगे, किसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। अगर इसका भी एरिया ले लें और नीचे वाला का भी एरिया ले लें तो टोटल सरफेस एरिया में बदल गया। तो हमको सिर्फ कर्व सरफेस लेके चलना है, तो कर्व सरफेस कौन सा, ये वाला। अब एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है आपका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2πRh, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, देखो बाबू कि क्या बोलते हैं, आप वॉल्यूम तक तो चले गए, आप वॉल्यूम तक तो चले गए, लेकिन आपको अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना हो तो कर्व सरफेस एरिया आप सिलेंडर के फॉर्मूला से नहीं लगा सकते हैं। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh, लेकिन आप यहाँ पे चाहिए तो ई नहीं लगा सकते हैं, मतलब सिलेंडर वाला है, ठीक है। इसके लिए एक नया टर्म आ रहा है, क्या, एल, व्हाट इज एल, एल इज द स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मतलब आओ अपने फोटो में, हाइट यहाँ पे कोन में दो तरह के मिलेंगे, पहला हाइट तो आपका 90 डिग्री वाला परपेंडिकुलर वाला है, और दूसरा हाइट आपको ये वाला हाइट दिख रहा है बाबू, हैं, इसको कहेंगे स्लैंट हाइट, मतलब इसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया? तो जो तुम्हारा ये होगा बाबू, यही तुम्हारा ये भी होगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग हो जाएगा, ये भी एल ही है। अगर इसको हम यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, ये भी तो रेडियस का काम कर रहा है, हैं, और ये एच है तो ये भी तुम्हारा एल हो गया। अब ये तो एच है तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो बताओ पाइथागोरस थ्योरम से चलोगे तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर नहीं हो जाएगा, हैं। इसलिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिए, पाई आर एल, पाई आर एल, पाई पता है, आर पता है, एल पता है, एल पता हो गया, स्लैंट हाइट, एल मीन्स अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बोलो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू पाई आर एल, या फिर तुम इसको ये भी लिख सकते हो, पाई आर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एल इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। ये जी कैसे आया, समझ में आया? क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे ए ओ बी जो है वह राइट ट्रायंगल बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए ओ प्लस ओ बी, वही चीज़ है वहाँ पे, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर आपका कर्व सरफेस एरिया पता चल गया तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा, कैसे, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया और प्लस एरिया ऑफ द सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन निकल जाएगा, अंदर एल प्लस आर बच जाएगा, खत्म कहानी, गया दिमाग में, टोटल टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है तुम्हारा, देखो यहाँ पे पाई आर एल, पाई आर एल, और प्लस एरिया ऑफ द सर्कल क्या है तुम्हारा, पाई आर स्क्वायर। चलो
यहाँ भी पाई कॉमन निकाल लो, यहाँ भी आर कॉमन निकाल लो, अंदर एल प्लस आर बच जाएगा। बताइए ये एक बेसिक संतुष्टि के लिए तीन फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन हम लोगों को यूज तो इसे करेंगे तभी तो ये पता चलेगा, ठीक है। और अब क्वेश्चन पे ज़्यादा डिपेंड करें, क्वेश्चन को समझेंगे ज़्यादा कि कैसे कैसे बनाना है, ठीक है। नोट डाउन करिए, पिक्चर बना के ढंग से।